नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहिबगंज में अवैध गांजों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज में अवैध गांजे के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि साहिबगंज पुलिस लाइन स्थित मैदान में शनिवार को पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोटा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 19 फरवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीओपी राजेंद्र दुबे साहिबगंज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। वहीं गठित टीम के सदस्यों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कालू दास उर्फ कृष्ण कुमार दास, करीब उम्र 38 वर्ष, पिता नरेश उर्फ गणेश दास, साकीन रसूलपुर दहला थाना नगर जिला साहिबगंज को करीब 1 किलो 900 ग्राम अवैध गांजों के साथ में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं कारू दास का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, जहां आज कारू दास को कोविड जांच के बाद में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मिर्जा चौकी से मोहम्मद गुलजार की रिपोर्ट। आज गुप्त सूचना प्राप्त हुई जिसके आलोक पे एसडीपीओ साहिबगंज के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र में एक छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें कारू दास को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से लगभग 1 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसके संबंध में कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। और इस कारू पासवान का पूर्ण आपराधिक इतिहास भी रहा है, जो भागलपुर रेल थाना और नगर थाने से संबंधित है। ये इनका आपराधिक इतिहास रहा और इस तरह के ये अवैध कार्य कर रहे थे और इस टीम ने एक बेहतरीन काम किया है। धन्यवाद।